कहाँ जा रहे हैं हम सर? इसका टाइगर रिजर्व भाई वीडियो बन गया तो खा लूं मैं। सवा छह फुट का आदमी पहली बार घुस रहा होगा अपने टेंट में ना दीपक। फाइनली निकल रहे हैं भाई घर से कैंपिंग के लिए। भाई स्कॉर्पियो का यही फायदा, देखो चेयर भी रख ली अंदर, दो अपने पास हैं कैंपिंग वाली, ये रख देता हूँ अंदर, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तीन ही लोग हैं आज हम। चलो भाई फाइनली निकल रहे हैं भाई घर से कैंपिंग के लिए, और कहाँ जा रहे हैं वो रास्ते में बताते हैं आपको। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बोला था आज जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, आज संडे का दिन, तो दोनों भाई और एक भाई और है हमारे साथ, वो भी हम तीनों बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, कैंपिंग करेंगे डे में। तो आज आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं हरियाणा में कैंपिंग की लोकेशन, जहाँ पे फुल ऑन आपको नजारे देखने को मिलेंगे, जाने का ऑफ रोडिंग ज्यादा ना करनी पड़ जाए, क्योंकि जा रही है दो स्कॉर्पियो, भाई के पास है व्हाइट वाली, हमारे पास है ब्लैक वाली, तो दोनों स्कॉर्पियो को आज ऑफ रोडिंग भी करा देंगे और आपको कैंपिंग भी देखने को मिलेगी। हमने ऑलमोस्ट सारा सामान अपना रख लिया है पूरा डे टाइम का, मतलब कैंपिंग क्या है आप कह सकते हो उसको, कैंपिंग और पिकनिक जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि यार बाहर हम ट्रेवल कर नहीं सकते अभी, तो आपको तो कुछ अच्छा सा कंटेंट दिखाना है और हमें भी एंजॉय करना है, तो ट्रिप वाले मजे अपने हरियाणा में ही दिलाएंगे आपको। तो भाई इसीलिए दोनों भाई निकल चुके हैं, और हाँ जो ऑलमोस्ट सामान खाने पीने का हमने ले लिया, कुछ वो भाई लेके आ रहा है, एक दो चीजें लेनी है मसाले वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो ले लेंगे, बाकी कॉफी दूध वगैरह लेके जा रहे हैं, तो बाकी सब चीजें हमने ले ली है, तो मस्त एंजॉय करेंगे आज का दिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक और नए ब्लॉग को, स्टे कनेक्टेड। भोलेनाथ का नाम लेके सारी चीजें डन हो चुकी हैं, दीपक कोयला लेने हैं अभी, कोयला लेने रह गए हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है भाई से। मैं देखता रहता हूं। अच्छा गोदाम में से निकाल देंगे कोयला पूरा। मैं पिछली बार आया था भैया से ले गया था पोलिथीन, जब ट्रिप पे गए ना मनाली गए अभी कोई 10-15 दिन पहले की बात है, तो मैं यहाँ से ही ले गया था पन्नी। यहाँ के अलग क्वालिटी का कोयला है जो इन्होंने यहाँ अलग रखी है, दूसरे वाला। अच्छा ये दूसरे वाला, वो अलग है, ये बारिश में बिक जाता है, चलता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख लो ये गाड़ी और अपनी स्कॉर्पियो, अरे ये खड़ी बिग गन्स को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं भाई, स्कॉर्पियो यहीं खड़ी कर रहे हैं क्योंकि अपने पास एक है ना, तो एक से ही चलेंगे, यहाँ इसे साइड में लगा दो यहीं पे, बाकी इसी में जाएंगे अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में, ये यहीं खड़ी कर देंगे। लिया अपना पहला स्टॉप, हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम सर? इसका टाइगर रिजर्व, अरावली के पर्वतों पे। यार ठंड ज्यादा लग रही है यहाँ, तो मैं तो हल्की सी यही डाल के लेके आया हूँ बस, टोपा वोपा की जरूरत पड़ेगी यहाँ, तो लकड़ी भी नहीं लेके आए हम तो बॉनफायर के लिए, बस कोयला लेके आए। तो भाई लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ से, हमने एंटर करी थी इस वाले से, यहाँ रख दिए बड़े बड़े पत्थर, अब हम ले जा रहे हैं आगे से सोना वाले टोल टैक्स से निकालेंगे ना, सोना वाले टोल टैक्स से निकालेंगे फिर चढ़ा देंगे यहाँ पहाड़ पे ऊपर। भाई ये देख लो स्ट्रगल देख लो, ये हमारा हम आज लगा ही देंगे भाई, 3-4 गाँव है जो हमने केएमपी से उतरते ही लगा दिए गाड़ी, अब जाना पहाड़ पे जहाँ काम चल रहा है, रेलवे काम ना चल रहा पहाड़ पे, वहाँ जाना जाते सीधे हाथ पे उठ जाओ फिर उल्टो कैंपिंग के तड़े के निकल के। अच्छा 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 ठीक है जी। तो भाई फाइनली हम अपने अरावली के पहाड़ों पे पहुंच चुके हैं, ये पियो से फुल ऑन, अगर कहीं फंस गई तो अलग लेवल का कंटेंट बन सकता है तो तो वो आपको व्लॉग में जुड़े रहें, एंड तक जुड़े रहें व्लॉग में, देखते रहें कि हमारी स्कॉर्पियो कैसे हमारी सर्वाइवल करेगी और ऑफ रोडिंग करेगी। लो जी लोकेशन पे पहुंच गए भाई, हम पूरी ऑफ रोडिंग करके आए हैं, ये देख लो आप नजारे, और यहाँ आए हम तीन, समीम भाई हाय हेलो हाउ आर यू, भाई की जिम है बिग गन्स, तो मैंने की भाई की आज छुट्टी है तो भाई को आज कैंपिंग करवा देते हैं ना, बाकी यार हवा बहुत तगड़ी चल रही है, ओहो बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैं तो कपड़े बहुत कम पहन के आया हूँ यार। हमारी फाइनल लोकेशन जहाँ हम कैंपिंग करेंगे आज, यहाँ पे बैठेंगे और लगा लो फिर सेटअप करो अपना चालू, फिर क्यों देर करनी। हाँ बहुत लंबी चले,
कोयला पूरी रात चल जाना है। जब सोलांग वैली में स्नोफॉल हुई सुबह तक जल रहे। तो भाई हमने अपना तंदूर सेटअप कर दिया है पूरा, बाकी अपना कैंप ओपन करेंगे थोड़ी देर में, और जब तक यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, पनीर वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, चाय बनाएंगे। चाय की कहाँ इंतजाम, हमारा दूध फैल गया था हमारा, तो इसलिए साइड में रख दिया, इसलिए चुपचाप रख दिया है। आप हमारी लग गई है अब तंदूर में, और पनीर और लगा दे दीपक, और वेजिटेबल्स लगा दे सारी। तो भाई अपना सोया चाप रेडी हो गए हैं, सोया चाप डाल लेते हैं प्लेट में। भाई निकालो ना, कैसे निकालोगे, चाकू से निकाल, ऐसे निकलेंगे वो अपने पास, चाकू से निकाल ले, पलट जाएंगे नीचे गिर जाएंगे, ऐसा सपोर्ट देनी पड़ेगी यहाँ। हाँ वो है ना अपने पास, सॉस निकाल ले, सॉस निकाल ले, बन गए अब, सॉस निकालो और निपटाओ है। भाई तंदूर का बहुत फायदा है ना, जब हम ट्रिप पे गए ना भाई, ये कमी रह गई थी हमारे पास, ये हमारी समीम भाई ने पूरी कर दी आज कमी। अब तंदूर पे लगा देंगे पनीर और वेजिटेबल्स। अपने पनीर हो चुके हैं रेडी तंदूर पे, बहुत मस्त वाले, ये देखो आप। बस मैं अभी वो डाल दे चाट मसाला, नेक्स्ट लेवल स्नैक्स बना रहे हैं इस बार हम, देखो कमी डाल थोड़ा सा। भाई वीडियो बन गया तो खा लूं मैं। खाओ खाओ मेरे से रुका नहीं। मैं निपटा दूं इन्हें, कंट्रोल मजे आ गए। थोड़ी थोड़ी डाल ले फिर, हमें देख के कई पनीर ले आएंगे। हाँ हमारी वीडियो देख के। टेक्निकली तो हमें यहाँ पे चाय पीनी चाहिए थी, पर कोक के साथ खा रहे हैं, बढ़िया मस्त है ना, कोक के साथ मजे आ रहे हैं। चाय के लिए दूध भी लेके आए हम, दूध भी मतलब चाय भी पियेंगे। ये भी है क्या आइटम मेन्यू में? चाय भी बनाई जाएगी भाई। कॉफी कॉफी पियेंगे एंड में, कॉफी लोगों की रसोई भी नहीं होगा। ये देख लो भाई सेटअप, बिस्किट भी है, चाय के साथ चलेंगे लास्ट में। कौन सा है भाई? चीयर्स करो भाई, चीयर्स। कोल्ड ड्रिंक का चीयर्स है भाई, ये लो। कैंपिंग जिंदाबाद। आज हमने वैरायटी दे दी है चाप में है ना, बस अब इसे खा के और देखेंगे फिर पता चलेगी कैसी लग रही है। बाकी आप बताओ सिनेमैटिक में कैसा आ रहा है, आनंद आ रहा है देख के नहीं आ रहा? भाई शेफ समीम खान बिग गंस जिम। ओके कलर आ गया देख, लोकल विलेज है यहाँ पे पास में ही, तो वहां से देखो भेड़ बकरियां। हेलो हाय, यहाँ पे हमारा तंदूर चल रहा है, जहाँ पे हमारे चाप हो चुके हैं रेडी। ये देखो भाई नजारे देख लो आप, फुल ऑन मतलब गांव वाली फील आएगी आपको, कैंपिंग है प्रॉपर, मतलब रॉ कैंपिंग हो रही है आज। तो भाई अभी कॉफी पियेंगे, लास्ट यही बची हुई है हमारे पास, हमने सब आइटम खत्म कर दिए ना, सब निपटा दिए। कॉफी निकाल जब समझ आएगी कहाँ है कॉफी, ये रे पाउच निकाल। तो भाई अभी कॉफी बनाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर और बैठेंगे, फिर रैप अप करेंगे ना आज की हमारी डे कैंपिंग। कॉफी होगी रेडी, कॉफी पियेंगे आज, पूरी ट्रिप पे हमने चाय पी है ना, 65 हो गया भाई आज, एक नंबर काम हो गया बस कॉफी पियेंगे। कॉफी के चीयर्स रह गए हमारे, कोल्ड ड्रिंक के लगाए हैं हमने अभी, ओहो मजा ही आ जाएगा यार। भाई ये देख लो हम आए लद्दाख में, ये देखो आप, ये हमारा कैंपिंग सेटअप है प्रॉपर। और भाई हम ले लद्दाख में, हमने बहुत ही अच्छी लोकेशन ढूंढ के अपनी गाड़ी लगा दी और कैंप कर रहे हैं। डे टाइम का कैंपिंग है अपनी, मतलब पिकनिक भी कह सकते हो आप इसको, कैंपिंग भी कह सकते हो, जो कहना चाहो वो कह लो। बाकी भाई ये देख लो नजारे, आप पहाड़ों के नजारे दे रहे हैं आपको हरियाणा के अंदर, कहीं मिलेंगे ऐसे? ये देखो आप मजे आ गए यार, आज संडे को इतनी अच्छे तरीके से और कैसे बिताएं यार, इससे बढ़िया तरीका। लद्दाख से कम है क्या लोकेशन?
लोग लद्दाख जाना छोड़ देंगे यार ऐसी लोकेशन देख के। ये देख लो भाई कॉफी बन रही है अपनी, मस्त कॉफी बना के दीपक आज। बाकी हमने भाई ड्रोन से व्यू लिया, ड्रोन से व्यू कैसा लगा वो भी बताओ आप। समीम भाई ये बताओ एक चीज बताओ, मजा आया नहीं आज कैंपिंग करने में? बड़ा मजा आया। नंबर देना चाहोगे? 100 में 100। तो भाई ये देख लो हमारा सेटअप और यहाँ चल रही है कॉफी चल रही है, कॉफी दिखा दो एक बार। बची है? निपटा दिए वैसे सारी कॉफी निपटा दी, 3-4 ग्लास पी लिया समीम भाई ने। भाई एक बार समीम भाई अंदर घुस रहे हैं, एक बार हाइट कितनी है अपनी? 6 फुट 6। तो भाई एक बार अंदर जाओ और देखो कितनी हाइट, चेक करो पूरा टेंट का। ये भाई हमारे टेंट का भी एक इम्तिहान है 6 फुट का आदमी पहली बार घुस रहा होगा अपने टेंट में ना दीपक। भाई पूरे पैर वैर देखना कितने कहाँ तक आएंगे, चले जाओ अंदर। 7 फुट पूरे आएंगे ना अंदर पूरे, और भाई जगह होगी और अंदर तक। ये देख लो भाई, भाई गया पूरा पूरे अंदर तक भाई, ये देख लो हिसाब किताब। यही तो कमाल है हमारे रूफटॉप कैंपिंग का। तो भाई फाइनली कर रहे हैं हम रैप अप इस जगह को, और संडे को हमने बहुत मतलब अल्टीमेट वाला संडे आज बार स्पेंड किया हमने कैंपिंग करिए, क्योंकि यार बाहर जा नहीं सकते तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को एक कैंपिंग दिखाई जाए हरियाणा में कहाँ हो सकती है। वैसे लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जाते जाते कर देंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो ना तो आपको पता होगा कि हम कहाँ आए हैं। बाकी थोड़े देर बताते हैं कि हम कहाँ आए हैं, और अभी अपना सामान कर रहे हैं रैप अप, और एक ड्रोन व्यू लेना है मेरे को गाड़ी का, वो लेना है, उसके बाद निकलेंगे घर वापस। ठीक है, तो जल्दी से अपना सामान रैप अप करके और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई देख लो जगह को जैसे आए थे ना वैसी छोड़ दिया है ना समीम, बिल्कुल ओके ये रिपोर्ट में। हाँ बस यहाँ पे कोयला पड़ा है, कोयले की कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा साफ कर दी और मजा ही आ गया भाई, एक नंबर मजा आ गया आज तो। संडे का मतलब मजा ही अलग हो गया। देख लो भाई स्कॉर्पियो भी ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रही है वहां तक, और इसके साथ साथ उड़ाएंगे ड्रोन, ड्रोन का व्यू लेंगे। चलो चल ठीक है यार। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं हम अपनी लोकेशन से ना, कैंपिंग डन होगी आज की। हमारे हरियाणा का लेह लद्दाख है तो भाई अब निकलते हैं घर वापस, फुल ऑन एंजॉयमेंट किया यहाँ पे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप यहाँ पे आ सकते हो, ये भाई केएमपी हाईवे के पास में है, तो आप भी आओ यहाँ पे एंजॉय करो, कैंपिंग करो, डे टाइम में पिकनिक करो, जो करना चाहो करो, एंजॉय करो। भाई आपको एक लोकेशन दे दिया भाई ने। तो इसी के साथ इस वीडियो पे लाइक बनते हैं, कमेंट बनते हैं, अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छे और हैपनिंग व्लॉग्स देखने के लिए। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।